everyone, how are you all doing? Welcome to your new chapter from your book Literary Journeys, an English Reader Primer Book by BrainRoot Series. So aaj hamare chapter ka naam hai, dekhiye, use of near, behind and in front of. Chaliye, near ka matlab hota hai pass mein. Sentence ke way mein dekhenge. This is a car, this is a hut. The car is near the hut. मतलब जो गाड़ी है वो घर के पास में है. Near मतलब पास में है. Next है behind. Behind का मतलब होता है पीछे. Right? तो कैसे होगा? That is a boy, that is a tree. The boy is behind the tree. मतलब जो लड़का है वो tree के पीछे खड़ा है. Next is girl. पीछे मतलब क्या बताया था मैंने बच्चों आपको? बिहाइंड. डैट इज़ अ गर्ल, डैट इज़ अ बस. द गर्ल इज़ बिहाइंड द बस. जो लड़की है वो बस के पीछे है. डैट इज़ अ मैन, डैट इज़ अ काउ. द मैन इज़ इन फ्रंट ऑफ द काउ. इन फ्रंट मतलब उसके आगे, काउ के आगे खड़ा है. बात समझ आती है सबको? काउ के आगे. दिस इज़ अ टेम्पल, दिस इज़ अ हाउस. The girl is in front of the temple. जो लड़की है वो टेम्पल के सामने खड़ी है. In front of the temple मतलब टेम्पल के सामने. बात सबको समझ आती है अच्छे से? Very good. अब हम करेंगे fill in the blanks with in, on, under, near, behind and in front of. ठीक है, देखिए. The shoes are dash the table. Shoes क्या है? टेबल के नीचे है ना. और नीचे मतलब क्या होता है? Under. The girl is dash the school. The girl is in front of. देखो स्कूल के सामने खड़ी है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा? In front of. Next, the bird is in the cage. केज के अंदर है बेचारी. देखो ये word bird केज के अंदर है ना, तो in the cage मतलब केज के अंदर. The ducklings are dash the mother duck. The ducklings are behind मतलब जो अपनी मदर है सारे डकलिंग्स की, उनके पीछे चल रही हैं सारी डकलिंग्स. द बॉय इज डैश द ट्रेन. द बॉय इज नियर द ट्रेन. द मंकी इज ऑन द ट्री. मंकी ट्री के ऊपर ही तो होगा, राइट? तो मंकी इज ऑन द ट्री. सो दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक. आई होप यू वर एबल टू अंडरस्टैंड. आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट नाउ. टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर.